सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जे भी जुड़ल बा हमनी के भोजपुरी दर्शक सब भैया लोग बार बार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक सनी कुमार सनिया और आज हमार फिल्म अंतिम न्याय के मुहूर्त बाटे। तो ये फिल्म बहुत ही अच्छा फिल्म बाटे और ये फिल्म में हम बानी अविनाश शाही जी बानी और ये फिल्म के प्रोड्यूसर बानी हमके गोयल सर। गोयल फिल्म्स के माध्यम से फिल्म आवता, तो ये फिल्म जब भी लागी आप लोग जरूर देख लीजिए। सनी जी बात करी जाओ, गायक से नायक बने के परंपरा के कड़ी आप ही आगे बढ़ा रहे बने, तो कैसे ख्याल आयल कि अब सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी करेंगे? ना एक्टिंग तो बचपने से करता नहीं, एल्बम के माध्यम से करता नहीं, अब फिल्म के माध्यम से करब। और वैसे भी बचपन से काबा कि छोटा रहनी उससे थोड़ा हीरो ना बन पानी, अब थोड़ा उम्र हीरो के भइल बा तब एंट्री मारा था नहीं। सबसे ज़्यादा चाहते तो हमारे पवन सिंह भैया हैं, उन्हीं को देखकर उन्हीं को गाना सुनकर हम लोग इस लाइन में आए हैं, क्योंकि 2006 के बाद जितने भी भोजपुरी में सिंगर आए हैं उन्हीं को देखकर सुनकर आए हैं। अच्छे सबसे बात उनका भैया का यही लगता है कि वो अपने दर्शक को ही भगवान मानते हैं। कितने साल की उम्र से आपने गाना? हम स्टार्टिंग तो किए थे 2007 ही से और उस समय मेरा उम्र 11 साल था। बचपन से ही गाने का हमको शौक था और अपने स्कूल में हम बहुत गाते थे। और एक होता है ना कि बचपन में लोग अपने मन से जहां मन तहीं गाते हैं, तो पूरा जितने भी अपने गांव में हैं इतना गाते थे कि लोग जब भी गुजरते थे गली से तो लोग पहचान जाता कि सनिया ही जा रहा है। सनिया नाम कैसे पड़ा आपका? सनिया ऐसे तो मेरा नाम सनी है, लेकिन प्यार से लोग सनी कुमार सनिया डाल दिया है। प्यार से हमको लोग सनिया बोलता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि अपनापन लगता है। नहीं, दोस्त मित्र तो हैं, वो कितने भी बड़े हो जाए चाहे कोई भी बड़ा हो जाए तो अपने दोस्त को आदमी वैसे ही बोलता है जैसे बचपन में लोग बोलता है, तो सनिया ही भाई बोलता है अपना दोस्त हमारे जितने भी है। नहीं, सबसे पहला तो बस माता रानी का आशीर्वाद है और दर्शकों का प्यार है कि अब आजकल हम देखते हैं कि इतना लोग इतना दिन तक गाता है लेकिन सॉन्ग वगैरह मार्केट में नहीं हिट हो पाती है, लेकिन हमारा सब हमारे भगवान हमारे दर्शक का प्यार था कि हम बचपन में पहला ही अपना एल्बम गाएं दाना खैबे रे मुर्गवा कुकु कुकु, वही गीत मेरा सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हुआ था। हर तदाना खई बेरे मुर्गवा अरे कुकु हो कुकु, इस गीत के बाद बहुत सारा गीत था। एक गीत और था कि अरे तो ही रे जगहिया दाँते काट ली हले राजा जी, ये भी गीत बहुत बजा था उस समय। आपके गायकी के गुरु कौन हैं और आपके गॉडफादर? गुरु तो हम बता ही दिए कि 2007-2008 के बाद जितने भी सिंगर आए हैं सबका गुरु पवन सिंह भैया ही हैं। और ऐसे आपने किसी से शिक्षा ली है संगीत की कहीं से? नहीं, मैं तो सीखा नहीं हूँ, बचपन से बस माता रानी का प्यार आशीर्वाद है कि बचपन से ही सुर में गाते हैं। और लोग आजकल लोग देखता है तो बोलता है कि कहीं ना कहीं हम सीखें, लेकिन बस माँ का प्यार है, पब्लिक का आशीर्वाद है कि हम शुरू से ही मतलब कहीं सीखे नहीं ऐसे ही गाते हैं। एक्टिंग के कोई गुरु? नहीं, एक्टिंग का तो कोई गुरु नहीं है, अब फिल्म तो सबका अच्छा लगता है, अब अपना छाप बस मार्केट में छोड़ना है। किसी का कॉपी करके इंसान ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिकता है, तो मेरा यही कोशिश रहता है कि हम सीखे और अपना एक मार्केट में अपना छवि अपना लाए। फिल्म का तैयारी बस हो गई है और आज तो मुहूर्त है, सॉन्ग का भी रिकॉर्डिंग, एक सॉन्ग का रिकॉर्डिंग होगा और फिल्म का नाम अंतिम न्याय है। बहुत ही प्यारा फिल्म है और मतलब ये ऐसा फिल्म है कि इसमें क्या नाम है, एक्शन भी है और कॉमेडी भी है और बहुत ही प्यारा प्यारा रोमांटिक सॉन्ग भी है। और बड़े भैया मुन्ना दुबे भैया का सॉन्ग है और विनय बिहारी जी का सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा प्यारा गीत है। भैया भी म्यूजिक देंगे फिल्म का, मुन्ना दुबे भैया। मुन्ना दुबे जी कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? सबसे ज़्यादा अभी तो फिलहाल सबसे ज़्यादा सपोर्ट भैया का ही मिल रहा है, बहुत ही भैया क्योंकि एक ही जिला के हम लोग बक्सर जिला के रहने वाले हैं, तो बहुत प्यार भैया करते हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट अभी कर रहे हैं। आज आपकी फिल्म का मुहूर्त है, इसका और कौन कौन भैया आपके आने वाले? इस फिल्म के बाद अभी 2 दिन पहले हम फिल्म किए हैं और फिल्म का उस फिल्म का नाम है सनिया के बारात
और इस फिल्म का प्रोड्यूसर हैं अनिल काबरा सर हैं और इस फिल्म का डायरेक्टर हैं नीलाभ तिवारी सर। और एक फिल्म का आपका बीच में फर्स्ट लुक आया था इसमें आप? हाँ, वो भी फिल्म क्या नाम है, हमको लग रहा कि इस महीने के बाद वो भी फिल्म स्टार्ट होने वाली है, ओहरे दुपट्टे वाली। अपने फैंस, अपने ऑडियंस कहते हैं? बस अपने दर्शकों को यही हम कहना चाहेंगे कि अपने भाई को बचपन से प्यार किए हैं, एल्बम के माध्यम से किए हैं, और आज आपका भाई बढ़ा होकर फिल्म में लॉन्च करने जा रहा है। आप सभी दर्शक अपने भाई को जब भी फिल्म रिलीज़ हो तो आप सब जरूर इस भाई को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। जय माता दी।